56 तरीके की व्यंजन हैं जो हम मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ से लाए हैं। महंत जी के आदेश पे हम लखनऊ से प्रसाद लेकर आए हैं। 56 प्रकार के व्यंजन लाए हैं और जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख के, उसके बाद जो प्रथम भोग लगेगा उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। तरीके की व्यंजन हैं जो हम मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ से लाए हैं। महंत जी का आदेश था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को पहला प्रसाद जो चढ़ेगा वो हमारे यहाँ का चढ़ेगा, तो महंत जी के आदेश पे हम लखनऊ से प्रसाद लेकर आए। इसको समर्पित किया है और इसका क्या मतलब है? ये सारा विधि विधान के हिसाब से जो प्रसाद चढ़ना चाहिए वो हमने इसमें लगाया है। ये महन जी के माध्यम से प्रभु श्री राम जी को 22 तारीख को चढ़ेगा। श्रजल गुप्त, जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख के, उसके बाद जो प्रथम भोग लगेगा उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। और ये हम कहे थे कि यदि अभी कोई सूचना दूसरे जगह से नहीं आई है कि क्या भोग लगेगा, इसलिए भोग लगने के लिए ये 56 प्रकार के जो सामने रखा है यह भोग ही उस दिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद भोग लगना है। सारे कार्यक्रम तो पंडित जो वहाँ आचार्य हैं उनके द्वारा होगा, लेकिन जब भोग लगने की बात होगी तो पुजारी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ले जा करके और वहाँ प्रथम भोग जो है रामलला को लगाया जाएगा और वहाँ इसको फिर उसके बाद वहाँ वितरण किया जाएगा भक्तों में।